हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा सलमान खान की जर्नी के बारे में। कैसे 1988 में एज ए सपोर्टिंग एक्टर अपने करियर की शुरुआत करने वाले सलमान खान आज 35 सालों में 120 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। एवोल्यूशन ऑफ बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। गाय सलमान ने ईयर 1988 में एक्ट्रेस रेखा की फिल्म बीवी हो तो ऐसी में एज ए सपोर्टिंग एक्टर अपना ऑन स्क्रीन डेब्यू किया था। मम्मी का ये मतलब है कि हम वेस्टर्न म्यूजिक के फैन हैं। ऊपर क्या देख रहे हैं? मैं सुने ये वाला। और अपनी पहली ही फिल्म में भाई की एनर्जी देखो। आती तुमने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? पहले चाय पी लो, फिर डांस करते रहना। ये तुम रोज सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आती हो? क्यों लाती चाय मेरे लिए? इवन इस फिल्म में सलमान खान की वॉइस को भी डब किया गया था। एंड अभी जो आपने सुना वो सलमान की एक्चुअल वॉइस नहीं है। चाय रखो, गो जाओ। डार्लिंग, मैं अभी किसी बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। ये प्रॉब्लम किसी भी तरह सॉल्व हो जानी चाहिए, समझे? डोंट वरी डार्लिंग, विक्की को मैं देख लूंगा। विक्की! दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। 1989 में आई सलमान खान के एज ए लीड एक्टर उस जमाने की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म मैंने प्यार किया। मेरे रंग में रंगने वाली परी। और फिर ये क्या बनाई दोस्ती के लिए, है ना? थैंक यू। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम। नो सॉरी, नो थैंक यू। ओके ये फिल्म डायरेक्टर सूरज बरजातिया एंड एक्ट्रेस भाग्यश्री की डेब्यू फिल्म थी। कबूतर जा। 1 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 28 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके 1980s की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी, जिसका म्यूजिक भी डेकेड का बेस्ट सेलिंग बॉलीवुड म्यूजिक बना। इस मूवी को 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी मिले, जिनमें से भाग्यश्री और सलमान दोनों को बेस्ट एक्टर्स डेब्यू का अवार्ड मिला। एज ए लीड एक्टर अपनी पहली ही फिल्म की ह्यूज सक्सेस के बाद साल 1990 में आई सलमान खान की रोमांटिक एक्शन फिल्म भागी, और ये भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इवन इस फिल्म की स्टोरी भी सलमान खान ने ही लिखी थी। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। 2 करोड़ में बनी ये फिल्म 5.5 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके 1990 की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी। इसके बाद ईयर 1991 में सलमान की 5 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी सनम बेवफा। नजर मिल गई तो बेइरादा। ये एक पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म हक्के मेहर का एक रीमेक है। अप्रोक्सीमेटली 90 लाख के बजट में बनी फिल्म 14 करोड़ की कलेक्शन करके सुपरहिट रही। इसके बाद आई एक एक्शन फिल्म पत्थर के फूल, जिसमें एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपना डेब्यू किया। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी आना। और ये सलमान खान की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था। और किसने सोचा था कि ये पुलिस ऑफिसर बड़ा होकर चुलबुल पांडे बनेगा। कुछ नहीं सर, अच्छा मैं चलता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। 2.17 करोड़ में बनी ये फिल्म 5.80 करोड़ की कलेक्शन करके सलमान खान की लगातार 4th हिट फिल्म रही। इनफैक्ट इसके बाद आई सलमान खान की 5वीं फिल्म कुर्बान भी हिट रही। इस फिल्म के साथ एक्ट्रेस आयशा झुलका ने अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया। 1.78 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 4.70 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद आई सलमान की संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के साथ सुपर हिट फिल्म साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। 4 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 18 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जिससे ये फिल्म 1991 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी। मेरा दिल भी कितना पागल है। इनफैक्ट फिल्म की एल्बम भी उस साल की टॉप सेलिंग म्यूजिक एल्बम बनी। जब मैं स्कूल से आया था तब घर पे कोई नहीं था, तो मैंने टीवी पे फिल्मी चैनल लगा के देखा कि क्या पता कोई इमरान हाशमी की मूवी आ रही हो। बट उस दिन ये वाली मूवी लगी थी और जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। एंड गाइस, मैं इस मूवी की स्टोरी में इतना खो गया कि बिना यूनिफॉर्म चेंज किए ही मैंने पूरी फिल्म देख डाली। ये रही आपकी 2 टिकटें। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आपको सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या चाहिए? एग्जाम्स में कामयाबी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, एक सुंदर पत्नी चाहिए या अच्छे बच्चे चाहिए? बोले ना, मैं आपके लिए प्रे करती हूँ और आप जो चाहेंगे वो जरूर मिलेगा। अरे बोलिए ना, शर्माइए मत, बोलिए आपको क्या चाहिए? ये 2 टिकटों के पैसे चाहिए बस।
ये मूवी 1989 में आई तेलुगु फिल्म प्रेमा का रीमेक है, बट ये ओरिजिनल फिल्म की सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। 2.30 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इस फिल्म ने 2.37 करोड़ की कलेक्शन की थी। फिर ईयर 1992 सलमान खान के लिए कुछ खास नहीं रहा। इस साल सलमान की 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों फ्लॉप रही, और पहली थी एक फैंटेसी एक्शन फिल्म सूर्यवंशी। इस फिल्म में सलमान खान का लुक ही मैन से इंस्पायर था। 1.94 करोड़ में बनी ये फिल्म 2 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इसके बाद सलमान और करिश्मा की साथ में पहली फिल्म जागृति। इस फिल्म में सलमान खान का एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी था। अनफॉर्चुनेटली 2.80 करोड़ में बनी ये फिल्म 2.53 करोड़ की नेट कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। फिर उसी साल सलमान और करिश्मा फिर से साथ नजर आए एक रोमांटिक एक्शन फिल्म निश्चय में। इवन इस फिल्म में सलमान के साथ एक्टर विनोद खन्ना ने भी काम किया, जिसके ऑलमोस्ट 16 साल बाद ये दोनों एक्टर साथ में वांटेड में नजर आए। 1.72 करोड़ में बनी फिल्म 1.40 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इसके बाद सलमान की नीलम कोठारी के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एक लड़का एक लड़की भी फ्लॉप हो गई। 2.07 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इस फिल्म ने 1.84 करोड़ की कलेक्शन की। फिर ईयर 1993 में सलमान की 2 फिल्में रिलीज हुई, और पहली थी चंद्रमुखी, जिसमें उन्होंने श्रीदेवी के साथ पहली बार काम किया। अनफॉर्चुनेटली 2.35 करोड़ में बनी ये फिल्म 1.28 करोड़ की कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई। फिर आई सलमान और माधुरी के साथ में दूसरी फिल्म दिल तेरा आशिक। अपनी पिछली लगातार फ्लॉप मूवीज के बाद सलमान खान ने एक जोरदार कमबैक किया। ईयर 1994 में आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म हम आपके हैं कौन में किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है? सिर्फ आपसे ही तो हम ये गुस्ताखी कर सकते हैं। क्यों? हम आपके हैं कौन? पहला पहला प्यार है। ये फिल्म मैंने प्यार किया के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या जी की दूसरी फिल्म थी, जिसमें पहले आमिर खान को कास्ट किया जाने वाला था। उस दौरान सलमान खान की फिल्में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट हम आपके हैं कौन सलमान के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 6.25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 72.47 करोड़ की नेट कलेक्शन की, और इस अमाउंट को हम आज अगर 2023 में इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो ये होते हैं अराउंड 715 करोड़। इस फिल्म की ग्रॉस इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 117 करोड़ से ज्यादा की थी, जिससे ये सलमान खान की बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ पार करने वाली पहली फिल्म बनी। और इस म्यूजिक वीडियो पे तो कोई भी गाना परफेक्टली फिट हो जाता है। इस मूवी के बारे में मैं डिटेल में डायरेक्टर सूरज बड़जात्या जी पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बात करूंगा। फिर उसी साल ही सलमान और श्रीदेवी की फिल्म चांद का टुकड़ा फ्लॉप हो गई। 2.75 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 3.88 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद सलमान और आमिर खान की कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना, ये मूवी कमर्शियली तो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, बट ओवर द इयर्स इस मूवी को इतना पसंद किया जाने लगा कि इसे एक कल्ट कॉमेडी फिल्म का दर्जा मिला। इवन इस फिल्म को बॉलीवुड में बनी बेस्ट कॉमेडी फिल्म्स में से एक माना जाता है। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा 2.90 करोड़ में बनी फिल्म 8.65 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। फिर आई सलमान की मनीषा कोइराला के साथ संग दिल सनम फ्लॉप हो गई। 1.40 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इस फिल्म ने 1.28 करोड़ की कलेक्शन की। फिर आई ईयर 1995 में राकेश रोशन की डायरेक्ट की हुई सलमान और शाहरुख की साथ में पहली बॉलीवुड फिल्म करण अर्जुन। पहले इस फिल्म में सलमान खान की जगह अजय देवगन को साइन किया जाना था, बट अजय देवगन इस फिल्म में शाहरुख खान के कैरेक्टर का रोल प्ले करना चाहते थे, बट एसआरके ने अपने रोल को स्वैप करने से मना कर दिया, और सलमान खान ने स्क्रीन पे पहली बार अपनी वैक्स की हुई बॉडी इसी फिल्म में दिखाई थी। 6 करोड़ में बनी ये फिल्म 43.63 करोड़ की कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हिट रही। फिर उसी साल सलमान की दिव्या दत्ता के साथ एक्शन फिल्म वीर गति रिलीज हुई। 3.75 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 8.60 करोड़ का एवरेज बिजनेस किया। इसके बाद ईयर 1996 में आई सलमान की राहुल रॉय और मनीषा कोइराला के साथ रोमांटिक ड्रामा फिल्म ये मजेदार एक डिजास्टर साबित हुई। 1.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने अप्रोक्सीमेटली 50 लाख की कलेक्शन की।
फिर उसी साल आई सलमान की मनीषा कोइराला के साथ संजय लीला भंसाली की डायरेक्ट की हुई म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म खामोशी। ये फिल्म संजय लीला भंसाली की डेब्यू फिल्म थी, जिसने 5 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। 6 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 14.26 करोड़ की एवरेज कलेक्शन तो की, बट ये फिल्म संजय लीला भंसाली की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मानी जाती है। अच्छा बाबा, कल मैं आके तुम्हारे फादर से मैरिज की बात करूंगा। मैरिज तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। दूर दूर तक? अरे मैरिज तो मुझे इधर नजर आ रही है, सामने बिल्कुल। इसके बाद है सलमान खान, सनी देओल और करिश्मा कपूर की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म जीत। ये फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान की साथ में पहली फिल्म थी, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। 7.25 करोड़ में बनी ये फिल्म 29 करोड़ की कलेक्शन करके सुपरहिट रही। इसके बाद ही एक्टर जितेंद्र की फिल्म दुश्मन दुनिया का में सलमान और शाहरुख का एक स्पेशल अपीयरेंस था। वही पिक्चर बन रही है ना, पड़ोसन पार्ट 2। तो ये अनपढ़ गंवार लोगों का क्या होगा भोले, मेरी बात सुनो बांगड़ू, सब बांगड़ू बांगड़ियों मेरी बात सुनो। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। इसके बाद ईयर 1997 में आई सलमान की एक्शन कॉमेडी फिल्म जुड़वा। ये फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन और सलमान की साथ में पहली फिल्म थी। ये फिल्म पहले गोविंदा को ऑफर की गई थी, बट सलमान की रिक्वेस्ट पे गोविंदा ने अपना रोल सेक्रीफाइस करके ये फिल्म सलमान के लिए छोड़ दी। कैसे ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है। ये फिल्म 1994 में आई तेलुगु फिल्म हेलो ब्रदर का रीमेक है, जो खुद 1992 में आई जैकी चैन की एक्शन कॉमेडी फिल्म ट्विन ड्रैगन से इंस्पायर्ड थी। 6.25 करोड़ में बनी ये फिल्म 24.28 करोड़ की कलेक्शन करके हिट हो गई। इसके बाद है सलमान की संजय कपूर और शिल्पा शेट्टी के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म ओजार, जिसे सोहेल खान ने डायरेक्ट किया था, और एज ए डायरेक्टर ये सोहेल खान की डेब्यू फिल्म थी। में बनी इस फिल्म ने 10.37 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की थी। और अनु मलिक ने माकारीना से कॉपी करके इस गाने की रख दी। फिर उसी साल आई डेविड धवन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दीवाना मस्ताना में सलमान खान का एक स्पेशल अपीयरेंस था। ये है बुन्नू और ये है राज। नेहा ने तुम दोनों की इतनी तारीफ की है मुझसे कि मैं तुम दोनों को आंख बंद करके भी पहचान सकता हूं। इसके बाद ईयर 1998 में आई सलमान की अरबाज खान और काजोल के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर रहे सोहेल खान, जिसमें सलमान ने फर्स्ट टाइम अरबाज और धर्मेंद्र सर के साथ काम किया। इवन इस फिल्म के बाद ही सलमान खान का शॉर्टलेस होने का ट्रेंड शुरू हुआ। इनफैक्ट इसी फिल्म से ही हिमेश रेशमिया ने एज ए म्यूजिक कंपोजर अपना डेब्यू किया था, और फिल्म के टाइटल सॉन्ग के साथ साथ तुम पर हम है सॉन्ग को भी हिमेश ने ही कंपोज किया। अरे तुम पर हम है अटके यारा। इस फिल्म का नाम पहले जन्नत रखा जाना था, बट अच्छा हुआ नहीं रखा, क्योंकि जैसे रेस हमेशा सैफ की थी, वैसे ही जन्नत भी इमरान की रहनी चाहिए। 7.75 करोड़ में बनी ये फिल्म 33.36 करोड़ की कलेक्शन करके सुपरहिट रही। इसके बाद ये सलमान की ट्विंकल खन्ना के साथ रोमांटिक फिल्म जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म में मुझे ट्विंकल खन्ना बहुत हॉट लगी। इसी बात पे ट्विंकल खन्ना का एवोल्यूशन भी मैं इस चैनल पे जल्दी लेकर आऊंगा। 6.5 करोड़ में बनी ये फिल्म ऑलमोस्ट 22 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। फिर आई सलमान और जैकी श्रॉफ की रोमांटिक एक्शन फिल्म बंधन। ये फिल्म पहले 1994 में आने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीजंस ये मूवी 4 साल डिले हो गई। इनफैक्ट फिल्म में सलमान ने जैकी श्रॉफ के साथ काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि ऐसे रूमर्स थे कि जैकी श्रॉफ का सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के साथ अफेयर था, बट पर्सनल ग्रजेस और पुरानी बातों को भूलकर दोनों ने साथ में काम किया और 5.75 करोड़ में बनी ये फिल्म 21.45 करोड़ की कलेक्शन करके हिट हो गई। इसके बाद ही SRK और काजोल की म्यूजिकल रोमांस फिल्म कुछ कुछ होता है में भी सलमान खान नजर आए। अंजलि अंजलि कंफ्यूजन हाय आई एम राहुल खन्ना अमन मेरा हाउ यू डूइंग। मुझे लगता है वो नाम सेम है इसलिए शी जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। बट आई एम श्योर यू नो कि मेरी अंजलि तुम्हारे अंजलि से ज्यादा खूबसूरत है। नहीं, मेरी अंजलि बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये कर लो पहले। ये धर्मा प्रोडक्शंस की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें सलमान खान ने काम किया।
इस फिल्म के बारे में डिटेल में मैंने SRK वाली वीडियो में बात की है। फिर उसी साल रिलीज हुई नसीरुद्दीन शाह की एक एक्शन फिल्म सर उठा के जियो में सलमान खान का एक स्पेशल अपीयरेंस था। लड़की को छेड़ने की क्या सजा होती है, आज के बाद तुम्हारे खानदान में कोई नहीं बोलेगा। इसके बाद ये 1999 में आई सलमान और उर्मिला की रोमांटिक फिल्म जानम समझा करो। इस फिल्म का नाम पहले लव हुआ डिसाइड किया गया था। इनफैक्ट लव हुआ नाम का सॉन्ग भी इस फिल्म में है। नौ करोड़ में बनी इस फिल्म ने 17.82 करोड़ का एवरेज बिजनेस किया। फिर आई सलमान की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर वन, जिसे डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म 1995 में आई तमिल फिल्म साथी लीलावती का रीमेक है। 12 करोड़ में बनी ये फिल्म ऑलमोस्ट 50 करोड़ की कलेक्शन करके सुपर हिट रही। इसके बाद आई एक रोमांटिक फिल्म सिर्फ तुम में सलमान खान का कैमियो अपीयरेंस था। फिर आई संजय लीला भंसाली की डायरेक्ट की हुई रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म हम दिल दे चुके सनम। सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन, इन तीनों एक्टर्स की साथ में ये पहली फिल्म थी। इवन इस फिल्म के बाद ही सलमान और ऐश्वर्या के अफेयर की न्यूज आने शुरू हुई थी। 16 करोड़ में बनी ये फिल्म 51.38 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही, जिसने 8 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए। इनफैक्ट फिल्म का म्यूजिक भी उस साल का 3rd हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक एल्बम बना। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। और KK का ये लेजेंडरी सॉन्ग तो भाई साहब, कभी पैग लगा के सुनना, गूज बम्स के साथ साथ आंसू भी आ जाएंगे। तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में तेरी याद। इसके बाद सोहेल खान ने सलमान और अरबाज के साथ मिलकर एक और फिल्म डायरेक्ट की हेलो ब्रदर, जिसकी लीड एक्ट्रेस थी रानी मुखर्जी। तेरी चुनरिया दिल ले। वैसे तो ये फिल्म 9 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 21 करोड़ की कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, बट मूवी के म्यूजिक को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर। इनफैक्ट फिल्म का ये सॉन्ग खुद सलमान खान ने गाया था। फिर आई सूरज बड़जातिया जी की डायरेक्ट की हुई ब्लॉकबस्टर फैमिली ड्रामा फिल्म हम साथ साथ हैं। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें इनफैक्ट गाड़ी भी भाई चला रहे थे। बाय द वे, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में सलमान, सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली और दुष्यंत सिंह को चिंकारा एंड ब्लैक बक पोचिंग केस में सभी एक्टर्स को बुक कर लिया गया था। अभी भी ये केस चल रहा है, जिसमें सलमान को छोड़ के बाकी सभी एक्टर्स को ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस कोर्ट ने एक्विट कर दिया है। अप्रोक्सीमेटली 19 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 81.71 करोड़ की कलेक्शन की थी। फिर ईयर 2000 में रिलीज हुई सलमान और करिश्मा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे। इस फिल्म का नाम पहले मुझसे शादी करोगी डिसाइड किया गया था, मुझसे शादी करोगी, लेकिन डेविड धवन फिल्म का टाइटल यशराज फिल्म से मिलता जुलता रखना चाहते थे और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के टाइटल से इंस्पायर होके फिल्म का नाम फाइनली दुल्हन हम ले जाएंगे रखा गया। 11 करोड़ में बनी ये फिल्म 36.47 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही। फिर उसी साल डेविड धवन की एक और कॉमेडी फिल्म चल मेरे भाई रिलीज हुई, जिसमें सलमान, करिश्मा और संजय दत्त ने काम किया। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग चल मेरे भाई संजय दत्त और सलमान खान ने मिलकर गाया था, जिसने 14 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 22 करोड़ की कलेक्शन की। कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई, ठीक है समरिया। फिर आई सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा, जिसके प्रोड्यूसर रहे साजिद नाडियाडवाला। इवन साजिद और सलमान की ये लगातार 3rd सक्सेसफुल फिल्म रही, जिसने 13 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 32.45 करोड़ की कलेक्शन की। हर दिल जो प्यार करेगा। फिर उसी साल ही अभिषेक और ऐश्वर्या की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के में सलमान खान का एक स्पेशल अपीयरेंस था। तुम्हारी मंजिल आ गई, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद ईयर 2000 में रिलीज हुई सलमान की लास्ट फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए फ्लॉप हो गई। 7.75 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 13.40 करोड़ की कलेक्शन की। फिर ईयर 2001 में सलमान, प्रीति और रानी की साथ में एक और फिल्म रिलीज हुई चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसे अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के रिगार्डिंग एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी, जिसके बारे में मैं प्रीति जिंटा के एवोल्यूशन में डिटेल में बात करूंगा। 13 करोड़ में बनी ये फिल्म 37.5 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया। फिर ईयर 2002 में आई सलमान की सुष्मिता सेन और दिया मिर्जा के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे फ्लॉप हो गई। 11 करोड़ में बनी इस फिल्म ने अप्रोक्सीमेटली 19 करोड़ की कलेक्शन की थी। hey,
इसके बाद है शाहरुख सलमान और माधुरी दीक्षित की रोमांटिक ड्रामा फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम। मैं तो सिर्फ नाम का पति, अरे क्या शादी तो तुम्हारी होनी चाहिए उसके। बहुत सुनी तुम्हारी बकवास, बहुत सुनी तुम्हारी बकवास। सलमान की अमीषा पटेल के साथ मल्टी स्टार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ये है जलवा 8 करोड़ में बनी। ये फिल्म 10 करोड़ 90 लाख के कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। ईयर 2003 में आई देवानंद जी की लव एट टाइम्स स्क्वायर में सलमान खान का एक स्पेशल अपीयरेंस था। इसके बाद रवीना टंडन की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म स्टम्प्ड में सलमान और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का स्पेशल अपीयरेंस था। इसके बाद ही सतीश कौशिक की डायरेक्ट की हुई रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म तेरे नाम ये वो मूवी है जो सुपरहिट होने का टाइटल डिजर्व करती है। सलमान खान की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस आपको इस फिल्म में देखने को मिलती है। नैनों से बहते अश्कों के धारों में इस फिल्म में सलमान का लुक ऑडियंस को काफी पसंद आया। इनफैक्ट इसी फिल्म से तेरे नाम वाले हेयर स्टाइल की शुरुआत हुई थी। देखिए निर्जला जी, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूं और फुल एंड फाइनल हो जाता है। बट सच बताऊं तो तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल कैरी करना सबके बस की बात नहीं है। मेरा एक दोस्त भी ऐसे ही तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल बनाता था और कसम से इतना चोमू लगता था ना, देख के लगता था बस इसकी मांग में सिंदूर भरने की देर है। एंड हियर्स अ फन फैक्ट, इस फिल्म में सलमान खान ने विग पहना हुआ था और ये उनके रियल बाल है ही नहीं। एंड इस फिल्म में सलमान ने अपने बाल्ड लुक के लिए एक्चुअली अपना हेड शेव करवाया था क्योंकि उस दौरान उनका हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट चल रहा था। तुमसे मिलना बातें करना, ये 1999 में आई एक तमिल फिल्म सेतु का रीमेक है जिसे तमिल फिल्म डायरेक्टर बाला सुब्रमण्य ने डायरेक्ट किया था और ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो फिल्म के डायरेक्टर बाला के फ्रेंड की लाइफ में हुई ट्रेजेडी पे बेस्ड है। इवन इस फिल्म में भूमिका से पहले ये रोल अमीषा पटेल को ऑफर किया गया था बट डेट्स ना होने की वजह से अमीषा ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और ये भूमिका चावला की पहली बॉलीवुड फिल्म बनी। 10 करोड़ में बनी ये फिल्म अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही बट मूवी इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती थी। इसके बाद सलमान की अमिताभ बच्चन के साथ मल्टी स्टारर फैमिली ड्रामा फिल्म बागबान। गाइज ये एक ऐसी फैमिली फिल्म है जिसे आपको अपनी फैमिली के साथ देखना अवॉइड ही करना चाहिए। 10 करोड़ में बनी ये गिल्टी फील करवाने वाली फिल्म 43.11 करोड़ की कलेक्शन करके हिट हो गई। ईयर 2004 में आई सलमान की एक्शन ड्रामा फिल्म गर्व। इस फिल्म में सलमान ने सेकंड टाइम एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया। इस फिल्म का नाम पहले सत्यमेव जयते डिसाइड किया गया था। 14 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 23.5 करोड़ का एवरेज बिजनेस किया। दो कौड़े के पुलिस अफसर, तेरी औकात क्या है? क्या औकात है तेरी? मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। काशी त्रिवेदी, अर्जुन रणावत नाम है मेरा। मैं मौत को तकिया और कफन को चादर बनाकर ओढ़ता हूँ। फिर आई सलमान की अक्षय और प्रियंका के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मुझसे शादी करोगी जिसे डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। इस फिल्म में मुझे सलमान का हेयर स्टाइल काफी सही लगता था बट आज पता चला कि सलमान ने तो विग पहना हुआ था। दिल मांगता है दिलदार सोनिए, तू आ जा सोनिए। 19 करोड़ में बनी ये फिल्म 56 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही। एक बार जो चाहे जवानी फिर ना आए। इसके बाद शिल्पा शेट्टी की ड्रामा फिल्म फिर मिलेंगे में सलमान और अभिषेक ने काम किया। इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई जो एक HIV पॉजिटिव पेशेंट का रोल प्ले करती हैं। 5.50 CR में बनी ये फिल्म 5.43 CR की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इसके बाद सलमान की प्रीति जिंटा और भूमिका चावला के साथ दूसरी फिल्म दिल ने जिसे अपना कहा। ग्यारह करोड़ में बनी ये फिल्म 13.5 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। फिर ईयर 2005 में आई सलमान की रोमांस फिल्म लकी जिसमें एक्ट्रेस स्नेहा उल्लल ने अपना डेब्यू किया। स्नेहा को सलमान से इंट्रोड्यूस सलमान की सिस्टर अर्पिता खान ने ही करवाया था क्योंकि अर्पिता और स्नेहा दोनों काफी अच्छी फ्रेंड्स थी और जब सलमान ने स्नेहा को फर्स्ट टाइम देखा तो भाई को अपना पुराना प्यार याद आ गया और फिर दोनों ने साथ में इस फिल्म में काम किया। 14 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इस फिल्म ने 28 करोड़ का एवरेज बिजनेस किया बट मूवी का म्यूजिक काफी पॉपुलर रहा। इसके बाद सलमान की कैटरीना कैफ के साथ पहली फिल्म मैंने प्यार क्यों किया। इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था जो 1969 में आई अमेरिकन फिल्म कैक्टस फ्लावर से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म की कमर्शियल सक्सेस के बाद ही कैटरीना कैफ के करियर को काफी बूस्ट मिला। मेरी
love story ka angle yaad karegi duniya just chill chill just chill। और फिल्म का ये सॉन्ग जस्ट च्याओ च्याओ दिमाग में ऐसा घुसा था कि एग्जाम देते, क्रिकेट खेलते, साइकिल चलाते, बाथरूम जाते दिमाग में च्याओ च्याओ ही बजता रहता था। CR में बनी ये फिल्म 47.2 CR की कलेक्शन करके सेम हिट रही। फिर आई सलमान की सुपर हिट मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म नो एंट्री। इस गाने के रिंगटोन ने तो सभी नोकिया फोन्स को पोजेस कर लिया था। ये मूवी 2002 में आई तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन का ऑफिशियल रीमेक है। मैं अकेला मेरे चारों तरफ। 24 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 74 करोड़ की कलेक्शन की थी। इसके बाद सलमान की रिमी सेन और करीना कपूर के साथ आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म क्यों की। क्योंकि इतना प्यार तुमको। सलमान के करियर की इस वन ऑफ द अंडररेटेड फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था, जिसका म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया था। 21 करोड़ में बनी ये फिल्म 23 करोड़ 15 लाख की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई, बट अच्छी मूवी है गाइस, नहीं देखी तो एक बार ट्राई कर सकते हो। तूने ओ जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर। दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़। इसके बाद ईयर 2006 में आई सलमान और शिल्पा शेट्टी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शादी करके फंस गया यार। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई। 11 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ की कलेक्शन की। फिर उसी साल रिलीज हुई एक रोमांटिक फिल्म सावन में सलमान खान का एक कैमियो अपीयरेंस था। तो बुला ले। इसके बाद बागबान के मेकर्स ने फिर से सलमान और अमिताभ को लेकर एक ड्रामा फिल्म बनाई बाबुल, जो फ्लॉप हो गई। 26 CR में बनी इस फिल्म ने 39 CR की कलेक्शन की। Sir, you called me? Yeah, thank you. You're my secretary. Huh? Julie? Yes. Yeah. Yeah. इसके बाद ही सलमान की अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा के साथ म्यूजिकल रोमांस फिल्म जाने मन भी फ्लॉप रही। इस मूवी का क्लैश SRK की हिट फिल्म डॉन के साथ हुआ था। 40 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 46 करोड़ की कलेक्शन की, बट मूवी के कुछ सॉन्ग्स काफी अच्छे हैं। हमको मालूम है इश्क मासूम है दिल से। फिर साल 2007 में आई सलमान की मल्टी स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म सलाम-ए-इश्क। फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, बट 43 करोड़ में बनी ये फिल्म 52 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। फिर आई सलमान, गोविंदा, कैटरीना और लारा दत्ता की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पार्टनर, जिसे डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की स्टोरी 2005 में आई विल स्मिथ की अमेरिकन फिल्म हिच से इंस्पायर्ड थी, और इस अमेरिकन फिल्म के मेकर्स ने पार्टनर के मेकर्स पे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के लिए $30 million का लॉसूट भी फाइल किया था। 28 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इस फिल्म ने 108 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। इसके बाद सलमान ने एक इंग्लिश फिल्म मैरी गोल्ड में भी काम किया। Yes. Yes, what? You want to make one thing perfectly clear? Right. I'm not going to sleep with you. I don't want to sleep with you. फिर उसी साल ही SRK और दीपिका की फिल्म ओम शांति ओम के एक सॉन्ग में सलमान ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। इसके बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में भी सलमान खान नजर आए। ये रणबीर कपूर और सोनम कपूर की डेब्यू फिल्म थी, जिसके बारे में मैं डिटेल में रणबीर कपूर के एवोल्यूशन वीडियो में बात करूंगा। 45 करोड़ में बनी ये फिल्म 39 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप तो हुई, बट गाइस ट्रस्ट मी, फिल्म काफी अच्छी है, आप एक बार देखना शुरू करोगे तो खो जाओगे। इनफैक्ट 2007 में ही सलमान ने चैरिटेबल ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की शुरुआत की थी। फिर साल 2008 में सलमान और प्रियंका ने फिर से साथ में काम किया एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म गॉड तुसी ग्रेट हो में। ये फिल्म 2003 में आई जिम कैरी की कॉमेडी फिल्म ब्रूस ऑलमाइटी का रीमेक है। 21 करोड़ में बनी ये फिल्म 20 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई।
इसके बाद ही एक थ्रिलर फिल्म हेलो में सलमान और कैटरीना का कैमियो अपीयरेंस था। शर्त? जी हाँ, अगर आपने सुनी तो इस कहानी पर आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी। ये लो, ये कंडीशन तो मेरे डैडी ने भी मुझ पे कभी नहीं डाली। आजकल की लड़कियों को उंगली दो, उंगली करने लग जाती है। इसके बाद सलमान ने सनी देओल के साथ एक मल्टी स्टारर फिल्म हीरोज में काम किया। 18 करोड़ में बनी ये फिल्म 25 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इसके बाद ही सलमान और कैटरीना के साथ में एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म युवराज, जिसका म्यूजिक ए आर रहमान ने कंपोज किया था। करोड़ में बनी ये फिल्म 31.22 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इनफैक्ट 2008 में ही सलमान का पहला टीवी गेम शो 10 का दम एयर हुआ था और 2010 में बिग बॉस के सीजन 4 से सलमान खान अब तक बिग बॉस होस्ट करते आए हैं। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। ईयर 2009 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म वांटेड ने सलमान खान के करियर को ऐसा बूस्ट दिया, 1, 2, 3, 4 जिससे फिल्म मेकर्स को सलमान खान की स्टार पावर का अंदाजा हो गया। मेरा ही जलवा। मुझे याद है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी सब लोग इसी के बारे में बात करते थे और वांटेड के सलमान खान से लोगों को जो ऑब्सेशन था ऐसा ही कुछ तेरे नाम वाले सलमान खान से भी था। एंड द फन फैक्ट इज दोनों फिल्मों में सलमान का नाम राधे था। इवन क्रिटिक्स का भी यही कहना था कि इस फिल्म में अपने कैरेक्टर को जिस तरह से सलमान खान ने थ्रू आउट द फिल्म कैरी किया है वो सलमान खान के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सलमान का स्वैग ही अलग है। सो बेसिकली सलमान खान का स्वैग और फिल्म का थीम परफेक्टली फिट बैठा। इस फिल्म की डायरेक्शन प्रभु देवा ने की थी और एज ए डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म थी। ये 2006 में आई महेश बाबू की तेलुगु फिल्म पोकेरी का रीमेक है, जिसमें सलमान के ऑपोजिट आयशा टाकिया ने काम किया और आयशा टाकिया के एंटायर करियर की ये इकलौती हिट फिल्म थी। दिल लेके दर्दे दिल दे गए। और ऑलमोस्ट 9 साल बाद सलमान खान की कोई सोलो लीड फिल्म हिट हुई, क्योंकि वांटेड से पहले जो सलमान ने सोलो लीड हिट फिल्म दी थी वो ईयर 2000 में आई दुल्हन हम ले जाएंगे थी। 42 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 94 करोड़ की कलेक्शन की। लेकिन इसके बाद उसी साल सलमान की करीना कपूर और सोहेल खान के साथ एक रोमांटिक फिल्म मैं और मिसेस खन्ना आई, जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 38 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 14.60 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद ही अजय देवगन और आसिन की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म लंदन ड्रीम्स में सलमान खान ने सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले किया। और ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चली और 45 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 41.31 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इवन उसी साल रिलीज हुई रणबीर और कैटरीना की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में भी सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। सलमान खान, अबे तू ऐसे डर डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है। देखा, ये भी मेरी तरह मैटर फनी है। ईयर 2010 में आई सलमान की जरीन खान के साथ एपिक एक्शन फिल्म वीर। इस फिल्म की स्टोरी सलमान ने 20 साल पहले लिखी थी और उन्होंने बताया था कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे वो संजय दत्त को लीड रोल में कास्ट करके खुद डायरेक्ट करना चाहते थे। ये मूवी एक रशियन नॉवल पे बेस्ड है एंड इवन पवन चौधरी नाम के एक ऑथर ने सलमान और फिल्म के मेकर्स पे 20 लाख रुपए का लॉ सूट भी फाइल किया था, ये कहते हुए कि फिल्म के कुछ एलिमेंट्स उनके एक नॉवल ट्रिलॉजी ऑफ विजडम से उठाए गए हैं। मुझे याद है इस फिल्म की बहुत ज्यादा हाइप थी, बट 48 करोड़ में बनी इस मूवी ने 64.60 करोड़ का एवरेज बिजनेस किया था। फिर आई सलमान खान की ब्लॉकबस्टर एक्शन कॉमेडी फिल्म दबंग, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा ने अपना डेब्यू किया। और बस इस फिल्म के बाद तो सलमान ने एक के बाद एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर मूवीज की लाइन ही लगा दी। इवन ये सलमान खान की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने मूंछ रखी थी और इसका आइडिया भी सलमान खान का ही था। इस फिल्म को अनुराग कश्यप के छोटे भाई अभिनव सिंह कश्यप ने डायरेक्ट किया था और खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलकर अरबाज और मलाइका ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। ये सॉन्ग एक भोजपुरी सॉन्ग लौंडा बदनाम हुआ से इंस्पायर्ड है। लौंडा बदनाम हुआ, नसीब तेरे लिए।
और ये भोजपुरी सॉन्ग भी पाकिस्तानी सॉन्ग लड़का बदनाम हुआ से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म का 2011 में तमिल रीमेक और 2012 में तेलुगु रीमेक बना। 41 करोड़ में बनी ये फिल्म 221 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके 2010 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी। इसके बाद ही अक्षय और कैटरीना की फिल्म 30 मार खां के एक सॉन्ग में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। इवन उसी साल आई राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म इसी लाइफ में भी सलमान ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। हैप्पी बर्थडे आरजे And congrats on being reborn. The year 2011 में आई सलमान और आसिन की ब्लॉकबस्टर एक्शन कॉमेडी फिल्म रेडी। इस फिल्म ने एक नॉन हॉलीडे फिल्म के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 30 करोड़ में बनी ये फिल्म 180 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके 2011 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी। ये मूवी 2008 में आई तेलुगु फिल्म रेडी का ऑफिशियल रीमेक है एंड 2011 में ही सलमान ने खुद की प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शुरू की जिसका नाम उन्होंने रखा सलमान खान फिल्म्स। फिर उसी साल आई सलमान की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉडीगार्ड जिसने दबंग का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 60 करोड़ में बनी ये फिल्म 234 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके 2011 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी। ये फिल्म 2010 में आई मलयालम फिल्म बॉडीगार्ड का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। इवन इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग में कैटरीना कैफ और सलमान के खुद के बॉडीगार्ड शेरा भी नजर आए। फिर उसी साल आई ईशा देओल की फिल्म टेल मी ओ खुदा में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर साल 2012 में आई सलमान खान की एक था टाइगर जिससे यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई। तुम करते क्या हो? मैं एक राइटर। गाइस कैन यू इमेजिन कि 2012 तक अपने एंटायर करियर में सलमान खान ने यश राज फिल्म्स बैनर के साथ एक भी फिल्म नहीं की थी। तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। सलमान और कैटरीना के ब्रेकअप के बाद ये दोनों की साथ में पहली फिल्म थी। इवन सलमान से पहले ये रोल शाहरुख खान को ऑफर किया गया था बट ड्यू टू लैक ऑफ डेट्स एसआर के इस फिल्म में काम नहीं कर पाए। 75 करोड़ में बनी एक था टाइगर 334 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हिट रही और साल 2012 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी। इसके बाद ही अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार में सलमान खान का कैमियो अपीयरेंस था। फिर उसी साल दिसंबर 2012 में रिलीज हुई दबंग फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म दबंग 2। इस फिल्म को खुद अरबाज खान ने डायरेक्ट किया था एंड एज ए डायरेक्टर ये अरबाज की डेब्यू फिल्म थी। और इस फिल्म के आइटम सॉन्ग में करीना कपूर नजर आई। फिफ्टी करोड़ में बनी ये फिल्म 253 करोड़ की कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हिट रही। इसके बाद ईयर 2013 में सलमान ने प्रीति जिंटा की फिल्म इश्क इन पेरिस में स्पेशल अपीयरेंस दिया और उसी साल रिलीज हुई शाहिद कपूर की फटा पोस्टर निकला हीरो में भी स्पेशल अपीयरेंस दिया। सर एक पुलिस वाला पीछा कर रहा है। पुलिस? अब क्या हुआ? सिग्नल तोड़ा तो नहीं? नहीं सर। पीयूसी है सर? इंश्योरेंस है? लाइसेंस है? गाड़ी भगाओ क्या सर? गाड़ी भगा के चांद पे लेके जाएगा। फिर साल 2014 में आई सलमान की सोशो पॉलिटिकल एक्शन फिल्म जय हो। ये 2006 में आई तेलुगु फिल्म स्टालिन का रीमेक है जो खुद एक अमेरिकन फिल्म पे इट फॉरवर्ड से इंस्पायर्ड थी। सबको मिली इंसानियत की राह पे चल। इस फिल्म का मैसेज काफी अच्छा था बट ड्यू टू मिक्स क्रिटिकल रिव्यूज एंड पायरेसी फिल्म को काफी लॉसेस भी हुए बट स्टिल 65 करोड़ में बनी जय हो 195 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। फिर उसी साल रिलीज हुई पुलकित सम्राट की ओ तेरी फिल्म के टाइटल सॉन्ग में सलमान खान ने कैमियो अपीयरेंस दिया। इवन उसी साल रितेश देशमुख की मराठी फिल्म लय भारी में भी सलमान ने कैमियो किया। अरे भाव, ये भाव कैसा भाव? भाव फुल टाइट ना भाव? फुल टाइट। अपने अपन घूमता फुल फास्ट है। इसके बाद आई फिल्म फगली के टाइटल सॉन्ग में भी सलमान ने अक्षय कुमार के साथ कैमियो किया। फिर आई सलमान के रणदीप हुडा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और जैकलिन फर्नांडिस के साथ एक्शन कॉमेडी फिल्म किक। जवाब तेरे जलवे हजार मेरा भी पता है मैं नमा और जुम्मे की रात है। और एज ए डायरेक्टर ये साजिद नाडियाडवाला की पहली फिल्म थी। हर शाम बेबी
तेरे ही नाम बेबे आ तुझे प्यार करूँ मैं। जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें। इस फिल्म के सॉन्ग हैंगओवर में सलमान की सिंगिंग की भी काफी तारीफ हुई। हैंगओवर तेरी यादों का। ये मूवी 2009 में आई रवि तेजा की तेलुगु फिल्म की का हिंदी रीमेक है। 140 करोड़ में बनी ये फिल्म 402 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हिट रही। आशियाना मेरा साथ ते। फिर साल 2015 में आई सलमान खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बजरंगी भाईजान। ऑनेस्टली मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे इस मास्टरपीस की तारीफ करूं। इस फिल्म का मेजर क्रेडिट फिल्म के स्टोरी राइटर वी विजेंद्र प्रसाद जी को जाता है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा को एक स्टोरी राइटर के तौर पे बाहुबली, बाहुबली 2 और RRR जैसी अमेजिंग मूवीज दी हैं। एक दिन मोहब्बत। इनफैक्ट डायरेक्टर कबीर खान के साथ काम करने से पहले विजेंद्र प्रसाद जी बजरंगी भाईजान की स्टोरी लेकर डायरेक्टर राकेश रोशन के पास भी गए थे और राकेश रोशन को भी स्टोरी काफी पसंद आई, जिसे वो ऋतिक रोशन को लेकर ये फिल्म बनाने वाले थे। इवन विजेंद्र प्रसाद इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करना चाहते थे बट राकेश रोशन ने इस बात से इनकार कर दिया। एंड देन विजेंद्र प्रसाद जी ने भी अपनी स्टोरी राकेश रोशन को ना देते हुए कबीर खान और सलमान खान के साथ काम किया। फिर तू तकल्लुफ छोड़कर फिर तू। और फिर 90 करोड़ में बनी बजरंगी भाईजान 969 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स की लिस्ट में करंटली 6th पोजीशन पे है। फिर उसी साल सूरज पंचोली और आतिया शेट्टी की डेब्यू फिल्म हीरो के एक म्यूजिक वीडियो में सलमान खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिया, जिसे उन्होंने खुद गाया भी था। के मैं हूं हीरो तेरा, के मैं हूं हीरो। इवन उसी साल सलमान ने सूरज बड़जात्या जी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सोनम कपूर के अपोजिट डुअल रोल प्ले किया और 90 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 432 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ये फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म्स की लिस्ट में करंटली 19th पोजीशन पे है। और इस फिल्म को मिला के अब तक सलमान ऐसी 15 फिल्मों में काम कर चुके हैं जिसमें उनका नाम प्रेम है और इस प्रेम नाम की शुरुआत सूरज बड़जात्या की ही फिल्म मैंने प्यार किया से हुई थी। इसके बाद ईयर 2016 में आई अंडर यश राज फिल्म्स बैनर सलमान खान की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सुल्तान। हिट निकला हुआ है इसका। और तुम 40 साल के एक रनडाउन देसी रेसलर उठा लाए। ये भी ब्लॉकबस्टर हिट रही। 90 करोड़ में बनी ये फिल्म 623 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके करंटली हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट में 9th पोजीशन पे है। ईयर 2017 में आई सलमान की वॉर ड्रामा फिल्म ट्यूबलाइट कुछ खास नहीं चली। ये फिल्म 2015 में आई अमेरिकन फिल्म लिटिल बॉय की अडेप्टेशन है, जिसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को क्रिटिक्स से भी काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले और 100 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 211 करोड़ की कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म एवरेज साबित हुई। फिर उसी साल आई वरुण धवन की जुड़वा 2 में सलमान ने कैमियो अपीयरेंस दिया। फिर आई यश राज के स्पाई यूनिवर्स और टाइगर फ्रेंचाइजी की सेकंड फिल्म टाइगर जिंदा है। इस फिल्म को मैंने थिएटर में देखा था और कसम से मजा ही आ गया था। 150 करोड़ में बनी ये फिल्म भी 565 करोड़ की कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हिट रही, जो करंटली हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट में 14th पोजीशन पे है। इसके बाद ये 2018 में आई फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में सलमान खान का कैमियो अपीयरेंस था। फिर आई सलमान की मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म रेस 3, जिसे रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया था। ऑनेस्टली ये सलमान खान का स्टारडम ही था जो फिल्म ने 300 करोड़ की कलेक्शन का मार्क टच किया, वरना मूवी एक डिसअपॉइंटमेंट थी, नॉट जस्ट फॉर क्रिटिक्स बट ऑडियंस आल्सो। सैफ अली खान के बिना रेस का सीक्वल बनाने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, none of your business। खैर 180 करोड़ में बनी ये फिल्म माई बिजनेस इज माई बिजनेस के चक्कर में 303 करोड़ का बिजनेस कर गई। इसके बाद उसी साल आई अमला पगला दीवाना फिर से एक एक सॉन्ग में सलमान ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है। इवन उसी साल आई एसआरके की फिल्म जीरो में भी सलमान ने कैमियो किया। ईयर 2019 में आई सलमान के प्रोडक्शन बैनर से बनी फिल्म नोटबुक के एक म्यूजिक वीडियो में सलमान नजर आए, जिसे उन्होंने खुद गाया भी था। दिल फिर भी चुप कैसे ये पूछ रहा तुमसे। इसके बाद सलमान और कैटरीना फिर से साथ में नजर आए अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में। ये 2014 में आई साउथ कोरियन फिल्म ओ टू माई फादर का रीमेक है। इस फिल्म में मुझे दिशा का सॉन्ग बहुत सही लगा, मतलब दिशा बहुत सही लगी। प्यारे
100 करोड़ में बनी ये फिल्म 325 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके सेमी हिट रही। फिर आई सलमान खान की मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी दबंग सीरीज की थर्ड फिल्म दबंग 3। ये मूवी अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी और बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म कर गई। और इस फिल्म के आइटम सॉन्ग मुन्ना बदनाम में वरीना हुसैन ने काम किया। मुन्ना बदनाम हुआ, डार्लिंग तेरे लिए। 150 करोड़ में बनी ये फिल्म 230 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। फिर साल 2020 में सलमान का एक कोविड अवेयरनेस से रिलेटेड म्यूजिक वीडियो आया जिसे उन्होंने खुद गाया है। इसके बाद सलमान का जैकलिन के साथ एक म्यूजिक वीडियो आया तेरे बिना। तेरे साथ जो पल थे बीते, जो साथ वादे लिए थे। इस सॉन्ग को सलमान ने खुद गाया भी है और डायरेक्ट भी किया है। फिर सलमान का एक और म्यूजिक वीडियो आया भाई भाई। इस सॉन्ग को सलमान ने रूहान अरशद के साथ मिलकर गाया था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या बोलते मियां भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या बोलते बहनों भाई। इवन ये फिल्म 2017 में आई साउथ कोरियन मूवी द आउटलॉज का रीमेक है। इतना ही नहीं, इस मूवी में अल्लू अर्जुन के सॉन्ग का भी रीमेक है। बट मूवी का ये सॉन्ग मुझे सही लगा। फिर साल 2022 में आई एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म गॉडफादर में सलमान ने चिरंजीवी के साथ काम किया। इसी के साथ 2022 में आई रितेश देशमुख की एक मराठी फिल्म वेड में भी सलमान ने कैमियो अपीयरेंस दिया। और साल 2023 में आने वाली SRK की फिल्म पठान में टाइगर फ्रेंचाइजी के सलमान खान का कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और ये पहली बार होगा जब यशराज स्पाई यूनिवर्स की किसी फिल्म में हम एक क्रॉसओवर देखेंगे। ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। इसके बाद अप्रैल 2023 में आएगी सलमान खान के प्रोडक्शन बैनर में बन रही एक्शन कॉमेडी फिल्म किसी का भाई किसी की जान। इस फिल्म में सलमान तेलुगु फिल्म एक्टर वेंकटेश दगुबति और पूजा हेगड़े के साथ नजर आएंगे। एंड मोर ओवर, इस फिल्म के एक सॉन्ग में हमें रामचरण का कैमियो अपीयरेंस भी देखने को मिलेगा। ये 2014 में आई एक्टर अजीत कुमार की तमिल फिल्म विराम का हिंदी रीमेक है। ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी। और फिर इसी साल नवंबर 2023 में आएगी सलमान और कैटरीना की टाइगर फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म टाइगर 3। इस फिल्म में हमें इमरान हाशमी नेगेटिव रोल में देखने को मिलेंगे, जिनका नाम होगा ISI एजेंट जमाल फतेह मीर उर्फ लायन। तो बेसिकली टाइगर वर्सेस लायन होने वाला है इस फिल्म में। एंड बीइंग ए फैन ऑफ इमरान हाशमी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना ही नहीं, पठान के SRK का भी इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ये मूवी 10 नवंबर 2023 को रिलीज होगी। इसी के साथ अगर सलमान खान की आने वाली फिल्म्स की बात करूं तो डायरेक्टर अनीस बाजमी अपनी कॉमेडी फिल्म नो एंट्री का सीक्वल यानी नो एंट्री में एंट्री को कंफर्म कर चुके हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है जिसमें अनिल कपूर, सलमान खान और फरदीन खान अपना कमबैक करते हुए ट्रिपल रोल्स में नजर आएंगे। मेकर्स ने सोचा था कि वो ये फिल्म 2023 को रिलीज कर देंगे, बट सलमान खान के बाकी प्रोजेक्ट्स में बिजी होने की वजह से ये फिल्म अभी होल्ड पे है। और डायरेक्टर अनीस बाजमी का कहना है कि वो जल्दबाजी में इस फिल्म को एक मीडियोकर फिल्म की तरह प्रेजेंट नहीं करना चाहते, जैसा ऑलमोस्ट हम हर सीक्वल कॉमेडी फिल्म के साथ होता हुआ देख चुके हैं। इनफैक्ट सलमान खान की पार्टनर 2 भी अंडर प्रोसेस है जिसे सोहेल खान डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म का सीक्वल पहले डेविड धवन ने अनाउंस किया था, बट एक अच्छी स्क्रिप्ट ना मिलने की वजह से उन्होंने फाइनल इस फिल्म को छोड़ दिया। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सोहेल खान ऑलरेडी इस फिल्म के लिए कैरी ऑन पार्टनर और पार्टनर 2 जैसे टाइटल्स रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें सलमान और गोविंदा फिर से साथ में नजर आएंगे। इसी के साथ सलमान की किक 2 की स्क्रिप्ट भी अगस्त 2020 में फाइनलाइज हो चुकी है और इस फिल्म को भी साजिद नाडियाडवाला ही डायरेक्ट करेंगे, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस फिर से नजर आएंगी। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। एंड सलमान के अपकमिंग प्रोजेक्ट में से वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जिस पे सलमान खान काम करने वाले हैं वो है बजरंगी भाईजान 2। और इस फिल्म की स्क्रिप्ट सेम राइटर वी विजेंद्र प्रसाद ही लिख रहे हैं, जिसे 19 दिसंबर 2021 को सलमान ने RRR मूवी के प्री रिलीज इवेंट पे खुद ही अनाउंस किया था। सलमान ने ये भी कंफर्म किया है कि इस मूवी का वर्किंग टाइटल पवन पुत्र भाईजान डिसाइड किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दबंग फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर अरबाज खान ने दबंग 4 भी कंफर्म कर दी है और अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स और कमिटमेंट से फ्री होके जल्दी ही सलमान और अरबाज इस फिल्म पे काम करना शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, इस मूवी के स्क्रिप्ट पे तिग्मांशु धुलिया काम कर रहे हैं और वही इस फिल्म को डायरेक्ट भी करेंगे। इस फिल्म के रिगार्डिंग सलमान खान का कहना है कि दबंग 4 के चुलबुल पांडे हमें पहले से थोड़े अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि टाइम के साथ साथ चुलबुल पांडे का कैरेक्टर इवॉल्व किया गया है। तो आज
के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। और अगर मेरा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जल्दी ग्रो कर पाए। गाइस, बहुत मेहनत से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। आप इन वीडियोस पे सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसा कॉन्टेंट आपके लिए लाता रहूं। SRK का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें, और दीपिका पादुकोण के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।